हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जेम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। यहां पे आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बात करते हैं यहां पे इस वीडियो में वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मॉडर्न एल्जेब्रा, एंड इसमें हम बात करने वाले हैं लीनियर एल्जेब्रा के टॉपिक में, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में, कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर स्पेस से पहले आपको फील्ड जो होता है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। तो उसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप वो देखते हैं तो फील्ड मैंने वहां पे बहुत ही तसल्ली से एकदम पूरा है विथ एग्जाम्पल और बिल्कुल बेसिक से ग्रुप थ्योरी से मैंने स्टार्ट किया है वहां तक फील्ड तक लाने के लिए, ठीक है। पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको फील्ड पता है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि फील्ड में क्या होता है। जो कम्यूटेटिव एलिमेंट होता है उसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर वो कम्यूटेटिव होता है, और उसमें यूनिटी एलिमेंट होता है। ये फील्ड की डेफिनेशन होती है कि भाई एक तो पहली बात तो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसमें कम्यूटेटिव सेट है और वो उसमें सारे नॉन नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ये फील्ड की डेफिनेशन होती है। अब हम आते हैं वैक्टर स्पेस पे। वैक्टर स्पेस का सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको समझाना चाहूँ, पहले आप इसको समझ लेते हैं फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे। फील्ड जो होता है उसको ट्रिपलेट के फॉर्म में इस प्रकार डिनोट किया जाता है, और वेक्टर में एक ले रहा हूं, ये इस टाइप से एक वेक्टर ले रहा है, ठीक है। अब ये तो फील्ड हमने ले लिया, चलो एक वेक्टर एक ऐसा सेट है, यानी कि वी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट अल्फा बीटा गामा टाइप के हैं, और स्केलर ये है इसके एलिमेंट। आपके पास में अगर मैं कहूँ फील्ड से जो एलिमेंट आ रहे हैं उसके एलिमेंट को हम यहाँ पे कह देते हैं लाइक यू एंड वी कह दो, ठीक है, यू वी कह दो, या यू वी जो इससे बिलोंग कर रहे हैं अल्फा बीटा उससे, सॉरी यू वी डब्ल्यू इससे बिलोंग करा देते हैं, तो यू वी डब्ल्यू मैं इससे कंसिडर कर रहा हूँ, और अल्फा बीटा गामा फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। फील्ड से जो एलिमेंट आएंगे उनको हम कहेंगे स्केलर, और वेक्टर से जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर एलिमेंट हो जाएंगे और स्केलर एलिमेंट हो जाएंगे, इनका अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फील्ड और वैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम उसमें यूज करेंगे। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड उनकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। उन कंडीशंस को अगर ये फॉलो कर गया तो कहेंगे हम ये वेक्टर स्पेस। अब क्या कंडीशन है वो समझते हैं। लेट एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स, देन वी इज वेक्टर स्पेस। वी क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर द फील्ड। कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड इफ इट सेटिस्फाइज दीज फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है यहां पे, पहली कंडीशन है कि v प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखो अबेलियन ग्रुप है मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या प्रॉपर्टी फॉलो होगी भैया, जब भी अबेलियन ग्रुप की बात आती है सबसे पहले हम क्लोजर लॉ की बात करते हैं। क्लोजर लॉ ये कहता है, क्लोजर लॉ की अगर मैं बात करूं, क्लोजर लॉ क्या होता है, तो क्लोजर लॉ को समझना, मैं एलिमेंट ले रहा हूं इसमें से, एक एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्लोजर लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लोजर लॉ के बारे में बात करते हैं, तो क्लोजर लॉ से ऐसा होता है कि अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ यू जो कि वी से बिलोंग कर रहा है, और अल्फा जो कि एफ से बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं इन दोनों का अंडर एडिशन, इन दोनों को एड कर देता हूं, तो वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए क्लोजर लॉ हो जाएगा, ठीक है, अंदर से बिलोंग कर रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, अंडर एडिशन की बात कर रहा ना, अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो एसोसिएटिव भाई पांच प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर ग्रुप की, ठीक है। तो हम यहां पे ले लेते हैं यू प्लस वी प्लस अल्फा करते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, या फिर हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं यू प्लस वी प्लस अल्फा कर देते हैं, तो ये एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है। फिर आगे जो हमारे पास में आता है दैट इज द इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है दैट इज जीरो, ठीक है। अगर मैं यू के साथ में जीरो ऐड करूंगा तो मुझे वापस यू मिलेगा। एक्चुअली आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, या फिर ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में।
ठीक है, इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव सॉरी एडिशन एडिटिव इनवर्स जो होता है ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे यू माइनस यू यू माइनस यू करता हूँ तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है, यानी कि ए माइनस ए क्रम करते हैं तो आपको सॉरी ए माइनस बी ए माइनस ए इनवर्स लिख देता हूँ मैं दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, माइनस करो या फिर एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा ए स्टार ए इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या फिर ए इनवर्स ए स्टार जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ये डेफिनेशन होती है इसकी। और अबिलियन ये यहां तक बन गया आपके ग्रुप, अब अबिलियन की बात करेंगे तो अबिलियन में क्या हो जाएगा, अबिलियन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे यू अल्फा यू प्लस अल्फा कर रहे हैं तो ये अल्फा प्लस यू कम्यूटेटिव होगा इसके अंदर, ठीक है ऐसे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं भाई ऐसे एलिमेंट ले लो यू ले लो ए ले लो कुछ भी ले सकते हो यार आप कुछ भी एलिमेंट ले लो वी से ले लो बी ए से ले लो वो उससे बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है पहला अबिलियन होना चाहिए। अब आता है दूसरा वी मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ये क्लोज्ड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भैया कि अगर अल्फा हमारा एफ से बिलोंग कर रहा है ठीक है वी हमारा यू हमारा वी वी से बिलोंग कर रहा है यानी कि सेट वी से बिलोंग कर रहा है तो यू डॉट अल्फा उस वी से बिलोंग करना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर अब इसकी कुछ एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में कुछ इस टाइप से होती है अगर मैं अल्फा को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दैट विल बी अल्फा यू प्लस अल्फा वी फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि ये स्केलर होगा एंड यू एंड वी बिलोंग्स टू वी, किससे बिलोंग करेंगे वी सेट से बिलोंग करेंगे। बी प्रॉपर्टीज की हो जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम ले रहे हैं उसको मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा यू प्लस ये हो जाएगा बीटा यू फॉर एवरी यू एंड यू बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर मैं अल्फा बीटा इंटू यू करता हूं तो ये अल्फा बीटा यू इस टाइप के इसके इक्वल हो जाएगा फॉर एवरी, ये हो जाएगा सेम। एक जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि फील्ड में, अब देखो फील्ड कैसा होता है एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये फील्ड जो होता है ना वो एक रिंग होता है। अब रिंग के अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करता है, रिंग का यूनिटी क्या होता है वन होता है और जीरो ऑफ रिंग जो होता है जीरो होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को अपन कहते हैं यूनिटी और यूनिटी के साथ में अगर आप किसी एलिमेंट को लोगे वन किससे बिलोंग कर रहा है फील्ड से बिलोंग कर रहा है और यू इसके वी से बिलोंग कर रहा है तो ये हमेशा इसके वी से बिलोंग करेगा और ये क्लोज्ड होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन इज द यूनिटी ऑफ यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिटी एलिमेंट होगा। अब यार हम समझते हैं तो हमने पढ़ लिया भाई ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो कोई सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा वेक्टर स्पेस होगा, पर यार एग्जांपल की बात करते हैं, अब हम एग्जांपल समझते हैं। देखो तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो फील्ड कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं क्योंकि अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, चलो एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं फिर हम एग्जांपल को समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V ओवर R, इसको पढ़ता कैसे V वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि फील्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है फील्ड कौन कौन से होते हैं। अब फील्ड के बारे में बात करते हैं तो फील्ड यहां पे कौन होते हैं, जो ग्रुप होते हैं और उनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं एन प्लस की बात करता हूं तो इट इज नॉट अ ग्रुप, तो ये ग्रुप भी नहीं है तो ये ना फील्ड भी नहीं हो सकता। तो फील्ड कौन होते हैं, देखो फील्ड क्या हो जाएंगे हमारे पास में, फील्ड बनेगा सी प्लस मल्टीप्लीकेशन, आर प्लस मल्टीप्लीकेशन और क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन। सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये इस टाइप के जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट मतलब उनमें प्लस मल्टीप्लीकेशन दोनों आते हैं और ये फील्ड जो होते हैं क्या होते हैं एक रिंग होता है, फील्ड इज अ रिंग, ठीक है फील्ड रिंग होता है बट इसमें क्या होता है एवरी एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसके साथ उसमें क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो है फील्ड हो जाते हैं। अब एक बात बताना चाहूंगा आपको, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे लाइक इसको लिखने का जो कुछ तरीका होता है, अब समझना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जेड जो होता है, जेड ध्यान से समझना कि जेड जो होता है वो सबसेट होता है क्यू का, ठीक है। जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू, ये जो होता है जेड क्यू का सबसेट होता है। Q जो होता है वो R का सबसेट होता है, ठीक है। Q जो होता है वो R का सबसेट होता है, R यानी कि द सेट ऑफ रियल नंबर, और R जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। R किसका सबसेट होता है, R इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये सबसेट होता है, ठीक है। मैं थोड़ा इस टाइप से जैसे एक्चुअली वो लाइक उस लैंग्वेज में होता है ना, तो ऐसे ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q सबसेट होता है R का, R सबसेट होता है C का, तो आपको ये पता चल गया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। कौन सा सेट बड़ा होता है, अब नेचुरल नंबर ले लो ना यार, नेचुरल नंबर तो इसका होगा, होल नंबर भी इसी का हो जाएगा, ठीक है, वो बात अलग है। चलो अब देखो, तो जब भी वेक्टर स्पेस लिखते हैं V, तो ये जो वेक्टर होता है ये हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, और फील्ड हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। तो बड़ा वाला बाहर रहना चाहिए। अब ये बड़ा हो और ये छोटा हो, या फिर बराबर हो, या फिर कैसे हो, बराबर हो, तो अगर मुझे वेक्टर स्पेस के एग्जांपल लिखना है, वेक्टर स्पेस के एग्जांपल लिखना है, तो C ओवर C वेक्टर स्पेस हो जाएगा, R ओवर R वेक्टर स्पेस हो जाएगा, खुद का खुद पे वेक्टर स्पेस बनता है, क्योंकि बाहर और अंदर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अंदर अगर मैं बात करूं Q ओवर Q वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और Z ओवर Z की बात करता हूं तो ये भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बट अगर अगर मैं अगर देखो, अच्छा एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पे Z ओवर Z लाइक Z मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। Z मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 1/a भाई साहब। Z के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, माइनस ए, जीरो एंड ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, बट यहाँ पे 1/a इंटीजर टाइप का कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब ये तो खुद का खुद पे हो गया, फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कि अगर मैं सी ओवर आर ले लेता हूं तो ये बड़ा है ये छोटा है वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अगर मैं आर ओवर सी ले लेता हूं, ये छोटा है ये बड़ा है वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हैं कौन वेक्टर स्पेस होता है और कौन नहीं होता। आगे बात करते हैं, अगर मैं Q ओवर Z लेता हूं तो इट विल बी अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस, ओके ओके यस, Z जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं होता है, तो ये बन तो सकता है, लेकिन भाई साहब Z ग्रुप ही नहीं है, मतलब Z फील्ड ही नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो भैया Z फील्ड ही नहीं है, अगर इसमें देखेंगे Z फील्ड ही नहीं है तो उस पर वेक्टर स्पेस कैसे बन सकता है, ठीक है। एट्थ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एट एग्जांपल ले लो यहाँ पे, R ओवर Q वेक्टर स्पेस हो सकता है, R बड़ा है Q छोटा है, ठीक है। फिर बात करते हैं नाइन्थ, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है ऐसे, अगर मैं बात करूं Z ओवर Q तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो Z होता ही नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। Q ओवर Q हो जाएगा, Z ओवर Z हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। C ओवर Q ये भी हो जाएगा, C छोटा है, C बड़ा है और Q छोटा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर स्पेस कैसे बनता है और वेक्टर स्पेस कहते किसको है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और ये समझते हैं कि लाइक ये वेक्टर स्पेस है और लाइक ये है और ये क्यों नहीं है, मतलब बाहर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की जो मैथ्स है उसको समझते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो वेक्टर स्पेस नहीं है। मान लो ये क्यू और आर, आप देख सकते हैं ये वी है और ये एफ है, ठीक है, ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताता हूं मैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, और वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ा हमने, कि अल्फा स्केलर जो है फील्ड से बिलोंग कर रहा है, और वी यानी कि बाहर जो वी है ना भाई, बाहर जो वी होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हमेशा वी यानी कि बाहर वाले में से एग्जिस्ट करना चाहिए, बाहर वाले से बिलोंग करना चाहिए, तो हम वही कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कैसे होगा, इसको समझते हैं। देखो एक्चुअली जब हम यहाँ पे इसको करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो रेशनल नंबर का कोई एग्जांपल ले लो, या 2/3 रियल नंबर ले लो,
रूट टू ले लिया, ये रियल नंबर ही तो है, रूट टू रियल नंबर, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या टू रूट टू बाई थ्री क्यू से बिलोंग करेगा? इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये क्यू से बिलोंग नहीं करेगा भाई। इसमें तो आ गया रूट का कॉन्सेप्ट आ गया, रूट वाले एलिमेंट तो इसमें बिलोंग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ये इसके जो एलिमेंट है ना अल्फा डॉट यू डज नॉट बिलोंग्स टू वी, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं अगर क्यू ओवर क्यू ले लेता हूँ, क्यू ओवर क्यू ले लेता हूँ, तो इसमें से कोई एलिमेंट उठा दो टू बाई थ्री, इसमें से कोई ले लो वन बाई थ्री, मल्टीप्लाई कर दो टू बाई नाइन हो जाएगा, और टू बाई नाइन तो यार क्यू से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इस वाले से बिलोंग कर रहा है, बाहर वाले से बिलोंग कर रहा है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आर ओवर क्यू होगा या नहीं होगा, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अगर इधर से रूट थ्री उठा लेता हूँ और इधर से वन बाई थ्री ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई रूट थ्री होगा, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर में क्यू के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, बाहर वाला बड़ा अंदर वाला छोटा, या दोनों बराबर होने चाहिए, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज आती है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज आती है क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इसका फील्ड का यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइक वेक्टर स्पेस आपके पास में वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हो सकता है। आर ए टाइप का एलिमेंट होगा तो ये वन डायमेंशनल होगा, आर टू ए बी टाइप का एलिमेंट है तो ये टू डायमेंशनल होगा, और आर थ्री इस टाइप से है तो ये थ्री डायमेंशनल होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे सी से बड़ा सी स्क्वायर होगा, सी से बड़ा सी स्क्वायर होगा ना, तो सी स्क्वायर ओवर सी का वेक्टर स्पेस बनेगा, लेकिन सी ओवर सी स्क्वायर का वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। सिमिलरली आर स्क्वायर आर का बन जाएगा, है ना, क्यू स्क्वायर क्यू का बन जाएगा, लेकिन क्यू क्यू स्क्वायर का नहीं बनेगा। अंदर कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, बाहर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके देख देते हैं भाई कि आर ओवर क्यू नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है इससे, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा। अगर एग्जाम्पल ले लो इसका, इसका एग्जाम्पल ले लो, आर आर टू में एलिमेंट कैसे होते हैं, आर टू में एलिमेंट ए बी टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, ले लो रूट टू रूट थ्री दो एलिमेंट ले लो ये, और इसका कोई एक एलिमेंट उठा लो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, मल्टीप्लाई कर दो तो रूट टू, है ना, थ्री रूट टू बाई टू, और क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री बाई टू। क्या ऐसे एलिमेंट आर से बिलोंग करते हैं? हाँ करते हैं, से एलिमेंट आर से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये इसका वेक्टर हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है, सॉरी हाँ ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, बट ये आर स्क्वायर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब ये आर से तो बिलोंग कर जाएगा, अगर मैं क्यू को, सॉरी ये आर टू से बिलोंग कर जाएगा, लेकिन ये क्यू के क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, क्यू में रूट वाले एलिमेंट नहीं होते भैया। तो ऐसा आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, क्योंकि ये आर आर टू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किस टाइप से हम वेक्टर स्पेस को सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे चेक करते हैं कौन सा वेक्टर स्पेस है या नहीं। और एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्यू ओवर रूट टू इज आल्सो वेक्टर स्पेस। ये क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। आप इसका मतलब समझो, देखो कैसे होता है ये वेक्टर स्पेस। अगर हम यहाँ पे ए प्लस रूट टू बी टाइप का एलिमेंट लेते हैं, सच दैट यहाँ पे क्या करते हैं, ए एंड बी जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b को अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो q इज सबसेट ऑफ q रूट टू, ठीक है। q एक्चुअली ये ऐसा होगा, एक्चुअली हम इसको ऐसे कहेंगे, एक्चुअली ये वेक्टर स्पेस होगा ना वो ऐसा होगा q रूट टू वेक्ट ओवर q, ठीक है। ये वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, जिसमें एलिमेंट रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ए प्लस रूट टू मिलेगा, सॉरी हाँ ए प्लस जीरो मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो हो जाएगा, और ये वापस किससे बिलोंग कर जाएगा, ए प्लस जीरो हो जाएगा, सच दैट A belongs to Q, A क्या हो जाएगा, Q से belong करेगा, तो ये step से इसमें से हो जाएगा, इसमें exist हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q root 2 जो होता है, वो Q से बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, Q root 2 Q से बड़ा है, it means ये इसमें satisfy हो जाएगा, भाई ये इसको satisfy कर लेगा, ये vector हो जाएगा, ये वाला field हो जाएगा, ये इससे बड़ा है, और इसके element जो है, वो Q root 2 से belong करेंगे, तो Q root 2 Q भी, sorry, Q root 2 Q भी क्या हो जाएगा, एक vector space हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होती है, और प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे लेते हैं हम इसको चेक करने के लिए। ये यहाँ पे चेक करते हैं ना, हमेशा वी से बिलोंग करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।